हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक सिंपल सी बुनाई लेके आई हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बनाना और भी ज़्यादा इजी है इसे। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको 6 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं और एक फंदा आपको एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, ये आपकी राइट साइड से ये बुनाई स्टार्ट होगी। चलिए बुनाई स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी फ़र्स्ट रो है। देखिए आपको आपको बॉर्डर रेडी करना है और बॉर्डर रेडी करने के बाद ये आपकी फ़र्स्ट रो है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखिए एक फंदा एज स्टिच है, आप बुनिए या उतारिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बुन लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए एक आपने एज स्टिच लिया, उसके बाद देखिए ये देखिए 5 फंदों में आपको डबल धागा डालना है। देखिए एक, ये देखिए ये डबल करके धागा डालना है, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, पहले आपने एक एज स्टिच बुना, उसके बाद आपने 5 फंदे सीधे बुने जिनमें कि आपने डबल धागा डाला। ठीक है, और उसके बाद जो छठा फंदा है वो आपको सिंपल सीधा बुनना है। ये देखिए, फिर उसके बाद आपको देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए 5 फंदों में आपने डबल धागा डाल दिया और आपको छठा छठा फंदा सीधा बुनना है। इसी तरीके से ही आपकी ये पूरी रो कंप्लीट होगी। ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये 5। ठीक है, 5 हो गया और छठा आपको सीधा बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, इस रो को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब बुनाई बनाएंगे तो ये रो आपकी भी आएगी। आप इसे अपनी फर्स्ट रो ही समझिए। ये देखिए, उसके बाद ये सीधा बुना, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 फंदों में हमने डबल धागा डाला, छठा फंदा मैं सीधा बुनना है। और देखिए फ्रेंड्स, फिर 1, 2, 3, 4, 5। देखिए फ्रेंड्स, 5 फंदों में डबल धागा डाला और ये आपका एज स्टिच है, इससे आप सीधा बुन लीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये आपकी रो 1 कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी अब बैक साइड है और सेकंड रो है। देखिए एज स्टिच मैंने उल्टा बुन लिया इसमें। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे आपने जो 5 फंदे अपने डबल किए थे, ये 5 फंदे आपको सिंगल करने हैं। देखिए किस कैसे करेंगे, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 फंदे आपने सिंगल कर लिए। अब आपको क्या करना है, आपकी लेफ्ट वाली निडल में ये 5ों फंदे एक साथ डालने हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे डालेंगे, उसके बाद इन 5 का आपको फिर से 5 बनाना है। देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए ये धागा आपका आगे है। ये देखिए आपको इसको पहला फर्स्ट वाला उल्टा बुनेंगे, ये देखिए, और सेकंड देखिए, फिर ऐसे डबल डालना है आपको। ये 2 फंदे हो गए आपके, तीसरा आप बुन के चौथा फंदा डालेंगे, 5वां फिर आप बुन के बनाएंगे। ये देखिए एक के आपके 5 फंदे हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 फंदे हो गए। फिर देखिए, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए फिर सिंगल करेंगे इन्हें, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे सिंगल। उसके बाद देखिए ये 5 को आपको लेफ्ट और निडल में डालना है एक साथ। फिर ठीक है, फिर देखिए पहला आप ऐसे उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा डालेंगे, ये 2 फंदे हो गए, तीसरा आप बुन के बनाएंगे, चौथा आप ऐसे डालेंगे, 5वां आपको बुन के बनाना है। ये देखिए एक के 5 हो गए। फिर जो आपने राइट साइड में सीधा बुना था, ये बैक साइड में उल्टा बुनेंगे। ये देखिए फिर ये 5 फंदे फिर खोलने हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5। फिर लेफ्ट निडल से 5ों के फिर 5 करने हैं आपको। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 हो गए, फिर एक आपका उल्टा आ जाएगा। फिर देखिए 5 आपको सिंगल करने, 1, 2, 3, 4, ये 5 फंदे सिंगल। उसके बाद देखिए 5ों को आपको फिर से 5 करना है, 1 दूसरा डबल करके, तीसरा बुन के, चौथा डबल डाल के, 5वां बुन के। ठीक है, ये 5 के 5 हो गए आपके। फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर आपको इनको सिंगल करना है 5 फंदों को, 3, 4, 5। 5 फंदे सिंगल, फिर लेफ्ट निडल से ये देखिए ऐसे करना है, 1, 2,
4 और ये 5, 5 हो गए। फिर देखें एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी रो 2 कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये 2 रोज़ का ही आपका रिपीट पैटर्न है। अब आपको क्या करना है, ये बुनाई की जगह चेंज करनी है, ठीक है। तो आप देखिए इस रो को, आप देखिए ध्यान से, अब आपको फर्स्ट तो आप एज स्टिच बुन लेंगे इस तरीके से। ये आपने एज स्टिच बुना, उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए एक एज स्टिच, 2, 3, ये देखिए 1, 2, 3 और उसके बाद ये 4। देखिए आपने 4 बुन लिए सीधे, ठीक है, ये 4 सीधे बुने। उसके बाद आपको ये देखिए 2 फंदे, ये एक फंदा बीच का और 2 फंदे यहाँ के, इन 5 में आपको अब ये पैटर्न डालना है जो आपने फर्स्ट रो में डाला था, ठीक है। 4 आपने सीधे बुन लिए, उसके बाद देखिए एक डबल डालेंगे 5 फंदों में, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए फ्रेंड्स, जो ये बीच में 5 फंदे थे, इसके 5 फंदों के 2 फंदे इधर आ गए और ये जो बीच वाला फंदा है 5 के बीच में, इसको आपको अभी सीधा बुनना है, ये देखिए, ठीक है। फिर ये 2, ये बीच का 1 और ये यहाँ के 2, इन 5 के ऊपर फिर पैटर्न डालना है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 के ऊपर अपने डबल धागा डाल दिया, फिर छठा आपको सीधा बुनना है, फिर वही करना है आपको, 5 के ऊपर डबल धागा डालना है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 5 के ऊपर डबल धागा डाल दिया। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपके फर्स्ट में 4 सीधे आए थे, वैसे ही आपके लास्ट में भी 4 सीधे बुनेंगे आप, 1, 2, 3 और ये 4, 4 आपके सीधे हो गए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी इस तरीके से बुनाई होगी। अब आपकी बैक रो आ गई है, बैक रो में आपको सेम वैसे ही करना है जैसे आपने सेकंड रो में किया था। देखिए एक जो आपके बुने हुए फंदे हैं, ये तो आप ऐसे बुन लेंगे, 4 फंदे हैं साइड के, ये देखिए 4 फंदे आपने उल्टे बुन लिए। उसके बाद देखिए ये जो डबल किए थे आपने 5 फंदे, वो सिंगल करने, 1, 2, 3, 4 और ये 5, देखिए ये सिंगल हो गए। उसके बाद आपको लेफ्ट वाली निडल में ये 5ों फंदे डाल के इन 5ों के फिर 5 बनाने हैं आपको। देखिए कैसे, देखिए पहला फंदा आप उल्टा बुनेंगे ऐसे, दूसरा आप ऐसे डबल डालेंगे, 2 फंदे हो गए, तीसरा आप बुन के बनाएंगे, 3 फंदे हो गए, चौथा आप फिर से डबल डालेंगे और 5वां आप बुन के बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 के 5 हो गए, ठीक है। फिर एक जो सीधा था आगे से, वो उल्टा बुनेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 फंदे आपने सिंगल कर लिया। अब देखिए 5 का लेफ्ट सिलाई में डाल के देखिए 5 बनाने, 1 उल्टा बुनेंगे, दूसरा डबल डालेंगे, 2, तीसरा उल्टा बुनेंगे, चौथा डबल डालेंगे और 5वां उल्टा बुनेंगे। देखिए 5 के 5 हो गए, फिर एक बीच में उल्टा है आपका, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 सिंगल करेंगे, फिर लेफ्ट निडल में डाल के 5ों को 7, देखो 5 का 1 किया, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 के 5 वापस हो गए, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हो गए। फिर ये 5 को आपको लेफ्ट निडल में लेके देखो 1, ये 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, 5 फंदे हो गए। फिर देखिए लास्ट में 4 हैं जो प्लेन बुने हैं, वो आप उल्टे बुन लेंगे, ये देखिए 4 फंदे आपने उल्टे बुन लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की आपकी ये बुनाई हो गई। देखिए फ्रेंड्स, ये बुनाई सिर्फ 2 रोज़ की है, बस आपको बुनाई की जगह चेंज करनी है। जैसे फर्स्ट टाइम पे आप पहला एक एज स्टिच बुन के फिर ये 5 फंदों पर बुनाई निकाल रहे हैं, एक बार आपको सेकंड नंबर से ही स्टार्ट करके 5 नंबर तक बुनाई निकालनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 4 फंदे सीधे बुनने हैं, उसके बाद आपको ये बुनाई निकालनी है। देखिए मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये फर्स्ट रो की तरह होगा। देखिए एक एज स्टिच बुना, उसके बाद यहीं से आपको बुनाई निकालनी है। देखिए 1, 2, 3, देखिए 4 और ये 5 हो गए। फिर ये बीच का आपको एक सीधा बुनना है, ये देखिए, फिर ये देखिए 1, 2,
तीन, चार, पाँच। पाँच फंदों में आपने डबल धागा डाला, फिर छठा आपको सीधा बुनना है, फिर पाँच में डबल धागा डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच में डबल धागा डालेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी आपने फर्स्ट में एक सीधा था और फिर आपकी बुनाई स्टार्ट हुई थी, लास्ट में भी आपका ये एक सीधा एडजस्ट आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बस आपको अब जैसे ही ये आपने सेकंड रो बुनी थी वैसे ही रिपीट करनी है। देखिए बैक साइड में आपको ये फंदे खोल के फिर पाँच के पाँच करने हैं। इस तरीके से आपको ये बुनाई आपकी बनानी है। देखिए आपकी बस बुनाई की जगह चेंज हो रही है। अब जब नेक्स्ट बुनाई आएगी तो फिर आपको एक दो तीन चार, चार आपको सीधे बुनने हैं, फिर पाँचवें नंबर से आपको बुनाई स्टार्ट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बुनाई बुनाई बन के रेडी हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बात और ध्यान में देनी है आपको कि आपको इसको, देखिए ये नौ नंबर की सिलाई है, देखिए नाइन नंबर की नीडल है, इस नाइन नंबर की नीडल में ही आपको इसे बुनना है क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है, ये देखिए। तो अगर आप इसको पतली सिलाई में बुनेंगे तो फिर ये बहुत टाइट हो जाएगा, इसलिए आप इसको नाइन नंबर की सिलाई में ही बुनें। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की ये बुनाई रेडी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बुनाई बन के रेडी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बुनाई का डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।